हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लर्न पर। आज हम बात करने जा रहे हैं युवा कबड्डी सीरीज में जो आज का सेकंड मुकाबला होने वाला है, मुरतल मैग्नेट्स वर्सेस अराइवल एरोज के बीच जो आज का कबड्डी का मैच होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट कवर करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पर अपनी टीम बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवाते। तो अगर ड्रीम टीम में डिफेंडर के बारे में बात करें, डिफेंडर में आपके पास लोकेश देखने को मिल जाएगा, कपिल देखने को मिल जाएगा, गंगाराम, संजय और विजय कुमार देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले लोकेश के बारे में बात करें, जो कि अराइवल एरोज की तरफ से एज ए डिफेंडर के रूप में ओपन करते हैं। लास्ट मैच जो केआर के खिलाफ खेला था उस मैच में दो ही टैकल किए थे। पैरियर पेंथर के खिलाफ मैच में भी इन्होंने दो ही टैकल किए थे। हम्पी हीरोज़ के बारे में बात करें, उस मैच में एक टैकल किया था। तो लास्ट के दो तीन मैच से थोड़ा एक दो ही टैकल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हर मैच में ड्रीम टीम में टॉप पर रहे हैं। तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में एज ए डिफेंडर के रूप में लेकर चल सकते हैं। इनको ड्रॉप कर आप अपनी टीम में कपिल गुज्जर को भी लेकर चल सकते हैं। कपिल गुज्जर के बारे में बात करें, इन्होंने भी लास्ट के तीन मैच में थोड़ा वीक प्रदर्शन किया है। इनको आप अपनी टीम से ड्रॉप लेकर चले। अगर संजय को लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना। गंगाराम के बारे में बात करें, गंगाराम ने पिछले मैच में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया था। हमने जो लास्ट मैच केआर के खिलाफ खेला था उस मैच में इनको पिक करके चले थे, माइनस में पॉइंट कवर किए। उससे पहले इन्होंने पैरियर पैंथर के खिलाफ एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तीन टच प्लस तीन बोनस इन्होंने निकाले थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप अपनी टीम से ड्रॉप भी लेकर चल सकते हैं, थोड़ा रिस्की प्लेयर है। अगर इनको आप अपनी टीम में लेकर चलना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा, स्मॉल लीग टीम में इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की प्लेयर है। रिस्की प्लेयर को हम अपनी स्मॉल लीग से दूर रखें उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है। संजय के बारे में बात करें, जो कि जी मुरतल मैग्नेट्स की तरफ से डिफेंडर के रूप में खेलते हैं। हम्पी हीरोज़ के खिलाफ जो लास्ट मैच खेला था उस मैच में तो एक ही टैकल गया था, लेकिन कजरंगा रियोनिस के खिलाफ जो मैच खेला था उस मैच में आठ टैकल, जिनमें से एक इन्होंने सुपर टैकल लगाया था। तडोबा टाइगर्स के बारे में बात को, उस मैच में भी एक टैकल किया था। पैरियर पैंथर्स के बारे में बात को, उस मैच में चार टैकल किए थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको संजय देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में आज डिफेंडर के रूप में लेकर चल सकते हैं, एक अच्छा खासा पिक आपके पास देखने को मिल जाएगा। विजय कुमार के बारे में बात करें, जो कि मुरतल मैग्नेट्स की तरफ से आज डिफेंडर के रूप में खेलते हैं। लास्ट मैच जो हम्पी हीरोज़ के खिलाफ जो खेला था उस मैच में दो टैकल किए थे। केआर के बारे में बात को, उस मैच में कोई भी टैकल नहीं किया था। तडोबा टाइगर्स के खिलाफ जो मैच होता है उस मैच में चार टैकल किए थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में विजय कुमार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में एज ए डिफेंडर के रूप में जरूर लेकर चल सकते हैं। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा पिक है डिफेंडर के रूप में नहीं देखने को मिल जाए, लोकेश, कपिल, गंगाराम, संजय और विजय, आपको पाँचों प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऑलराउंडर के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवाते। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, आपके पास किरशन डुल, आसू मलिक, गोविंद गुज्जर, मनीष डुल और तौसीफ अहमद देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले किरशन डुल के बारे में बात करें, जो कि मुरतल मैग्नेट्स की तरफ से आज ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। लास्ट मैच जो हम्पी हीरोज़ के खिलाफ जो खेला था उस मैच में पाँच टैकल, जिनमें से दो सुपर टैकल लगे थे। केआर के बारे में बात करें, उस मैच में चार टैकल किए थे। तडोबा टाइगर्स के बारे में बात करें, उस मैच में भी चार टैकल किए थे। पैरियर पैंथर्स के बारे में बात करें, उस मैच में छः टैकल किए। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपके पास किरशन डुल देखने को मिल जाएगा। तो चाहे आप स्मॉल लीग टीम रहे चाहे ग्रैंड लीग टीम रहे, हर टीम के लिए आपके पास किरशन डुल आज ऑलराउंडर के रूप में बेस्ट पिक होने वाला है। अगर बात करते हैं आसू मलिक के बारे में बात करें, जिन्होंने लास्ट मैच ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं,
लास्ट मैच जो हम पीरोज के खिलाफ जो खेला था उस मैच में 16 टच पॉइंट प्लस 4 बोनस, एज ए रेडर के रूम में 20 पॉइंट निकाले थे। केआर के बारे में बात की उस मैच में 9 टच प्लस 1 बोनस 10 पॉइंट निकाले थे। डोवा टाइगर्स के बारे में बात की 12 टच प्लस 1 बोनस, तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में हर मैच में आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो किशन ढुल और आसू मलिक, इन दोनों को भी आप अपनी ड्रीम, ऐसा नहीं कि आप हर बेस्ट प्लेयर को आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चल सकते हैं, आपको इन पॉइंट्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इन पॉइंट के आधार पर आप अपनी ड्रीम टीम क्रिएट कर चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर बेस्ट प्लेयर को आप अपनी बेस्ट बेस्ट प्लेयर को आप अपनी ड्रीम टीम में पिक कर चल सकते हैं। तौसीफ़ अहमद के बारे में बात करें जो कि एज ए ऑलराउंडर के रूम में राइवलरीज की तरफ से खेलते हैं, पिछले लगातार 4 मैच से ड्रॉप चले, उससे पहले जितने मैच प्ले किए उस मैच में हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। तो अगर आज ही मैच में खेलते हैं तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में एज ए ऑलराउंडर के रूप में जरूर लेकर चल सकते हैं। राम कुमार के बारे में बात करें जो कि एक अच्छा खासा ऑलराउंडर आपके पास राइवलरीज की तरफ से देखने को मिल जाएगा। लास्ट मैच जो केआर के खिलाफ खेला था उस मैच में 60 टच पॉइंट प्लस 2 बोनस निकाले थे। पेरियर पेंथर्स के बारे में बात की उस मैच में 5 टच प्लस 1 बोनस। हम्पी हीरोज के बारे में बात का 8 टच प्लस 1 बोनस, तो एक अच्छी खासी पर तौसीफ़ को आप अपनी टीम से ड्रॉप लेकर आप अपनी टीम में राम कुमार को एज ए ऑलराउंडर के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेडर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें? सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजन इलेवन पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कंपटीशन भी कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। कबड्डी को छोड़कर हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देखने मिल जाएगी, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा। तो लाइन बाद बाद एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का, और हमारा रेफर कोड यूज़ के आपको 300 रुपये का बोनस मिलने वाला है। और कंपटीशन कम होने के कारण आपके पास एक अच्छा खासा मौका बचता है आसानी से ग्रैंड लीग विनिंग करने का। तो अभी डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर, और इस मैच की फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन इलेवन पर तैयार करें। रेडर के बारे में बात करें, जय भगवान देखने मिल जाएगा, विनय वीरेंद्र, उमेश पंवर, महिपाल और प्रविंदर आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहले प्रविंदर के बारे में बात करें जो कि मोर्टल मैग्नेट्स की तरफ से लगातार 4 मैच से ड्रॉप चले, हम भी रोज के खिलाफ जो मैच खेला था उस मैच में 11 टच प्लस 2 बोनस निकलते थे। मराठा मार्वल्स के बारे में बात करें, 11 टच प्लस 1 बोनस, तो जितने भी मैच प्ले किए उतने मैच में हर मैच में ड्रीम टीम में पॉइंट टेबल में टॉप पर रहे हैं। तो प्रविंदर को अगर आज ही मैच में खेलते हैं तो इनको आप अपनी समोरी और ग्रैंड लीग दोनों टीम में एज ए डिफेंडर के रूम में, सॉरी दोस्तों, एज ए ऑलराउंडर के रूम में लेकर चल सकते हैं। अगर इनके अलावा उमेश पंवर के बारे में बात करें जो कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्लेयर आपको देखने मिल जाएगा, हम फिर उसके खिलाफ जो लास्ट मैच हुआ था उस मैच में कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा था, लेकिन केआर के खिलाफ जो मैच हुआ था उस मैच में 9 टच प्लस 1 टैकल किया था। डोवा टाइगर्स के बारे में बात की उस मैच में 11 टच प्लस 1 टैकल किया था। पेरियर पेंथर्स के बारे में बात करें, 8 टच प्लस 1 बोनस, तो उमेश पंवर आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। तो उमेश पंवर को आप अपनी टीम में रेडर के रूम में जरूर लेकर चल सकते हैं। अगर इनके अलावा विनय वीरेंद्र के बारे में बात करें, यह भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएगा, हम पी रोज के खिलाफ जो लास्ट मैच खेला था उस मैच में 2 टच प्लस 2 इन्होंने। अगर उससे पहले केआर के मैच के बारे में बात करें तो उस मैच में 6 टच पॉइंट प्लस 1 टैकल, सॉरी दोस्तों, 1 बोनस और 3 टैकल किए थे। डोवा टाइगर्स के बारे में बात करें, 9 टच प्लस 2 बोनस निकाले थे। पेरियर पेंथर्स के बारे में बात करें, 11 टच प्लस 5 बोनस निकाले थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपके पास विनय वीरेंद्र देखने मिल जाएगा, तो इनको भी आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चल सकते हैं। जय भगवान के बारे में बात करें, पिछले मैच में सब्सिट्यूट होकर इन्होंने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था। 9 पिछले मैच जो इन्होंने केआर के खिलाफ खेला था उस मैच में 9 टच पॉइंट प्लस 7 इन्होंने बोनस निकाले थे। उससे पहले किया पेरियर पेंथर्स के खिलाफ 12 टच प्लस 1 बोनस। तो हर मैच में अपना बेस्ट ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अगर आज आप अपनी ड्रीम टीम में इनको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग हर टीम में लेकर चल सकते हैं, चाहे स्मॉल लीग टीम रहे चाहे ग्रैंड लीग टीम रहे, इनको आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना, एक अच्छा खासा पिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आसू मलिक को आप अपनी टीम में कैप्टन और जय भगवान को आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना। उमेश पंवर भी आपको बेस्ट पिक है, वाइस कैप्टन के रूम में देखने को मिल जाए। विनय वीरेंद्र भी आपके पास एक अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी ड्रीम टीम क्रिएट करके आसानी से ग्रैंड लीग से मोली विन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक वीजी डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करें। सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज सिर्फ और सिर्फ वीजी पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। कबड्डी को छोड़कर हर गेम की आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देखने मिल जाएगी, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा। तो लाइन में पाने वाले एक अच्छा खासा मौका बचता है
आपके पास अपनी बेस्ट या बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का और कंपटीशन कम होने का कारण आप आसानी से ग्रैंड लीग से मोल इवेंट कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर हमारा रेफर कोड यूज़ किया, आपको 300 रुपये का बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके इस मैच की फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजिलेंट पर तैयार करें।